हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज क्लास। इन आज के लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं स्कल फ्रैक्चर्स। क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं स्कल फ्रैक्चर्स, ठीक है। सो स्कल फ्रैक्चर्स हम पढ़ रहे हैं। स्कल फ्रैक्चर में ज़्यादातर दिस इज नथिंग बट दी स्कल इंजरी या फिर हेड इंजरी। सो मोस्टली फ्रैक्चर होता है राइट, बिकॉज वी हैव अ हार्ड सर्फेस दैट इज स्कल। स्कल के अंदर वी हैव ब्रेन, ठीक है। सो स्कल बोनी स्ट्रक्चर है तो मोस्टली वील गेट फ्रैक्चर। फ्रैक्चर कब होगा? जब किसी दूसरी हार्ड सर्फेस से हिट होगा स्कल, एंड देन जब उसके टेंजाइल स्ट्रेंथ, स्कल की भी कुछ एक स्पेसिफिक टेंजाइल स्ट्रेंथ होती है, जब इस टेंजाइल स्ट्रेंथ से एक्सीड हो जाएगा वो प्रेशर, तब जाके फ्रैक्चर्स आएंगे। इन फ्रैक्चर्स किस तरीके से आते हैं? देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कल फ्रैक्चर्स। ईच टाइप डिपेंड्स ऑन द फोर्स ऑफ द ब्लो। Each type depends on the force of the blow, कि किस तरीके का force था, and according to that force आपके different type of fractures create होंगे। The location of the impact on the skull, again it matters, skull के कौन से place पे, कौन से location पे impact आया है, and the shape of the object making impact with the head, and वो shape of the object making impact with the head. So head में जो impact बन रहा है उसका shape, ठीक है, उसका shape important है। So जो भी आप weapon use किया गया है, it depends on that, the pressure force, जिस force से weapon या फिर कोई भी hard object skull पे लगा है। See, so according to that we have different type of skull fractures. देखो, अगर हम briefly categorize करें skull fractures को, तो it is depression fractures, ठीक है, hairline fracture जिसे हम कहते हैं linear fracture, then we have compound fracture क्या होता है? combination of two fractures, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू फ्रैक्चर्स। सो हियर वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रैक्चर्स। देखो, ये चार मेन कैटेगरीज है फ्रैक्चर्स की, कम्युनेटेड फ्रैक्चर्स, बेसिलियर फ्रैक्चर, लीनियर फ्रैक्चर एंड डिप्रेस्ड फ्रैक्चर। अगर इनमें से कोई भी दो टाइप की फ्रैक्चर एक साथ पे अगर आपको स्कल में देखने को मिलती है, इट इज कंपाउंड फ्रैक्चर, ठीक है। देखो, दिस इज योर स्कल, उसके अंदर होता है ब्रेन, ठीक है, ये स्कल है। स्कल बहुत ही ज्यादा हार्ड, रिजिड एंड प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है। दिस इज लीनियर स्कल फ्रैक्चर, स्कल में जो लीनियर फ्रैक्चर आ रही है। सो दिस इज लीनियर फ्रैक्चर। अगर ऐसे डिप्रेस्ड, देखो यहाँ पे डिफरेंट सरफेसेस पे जो स्कल है, इनसाइड द ब्रेन इट इज डिप्रेस्ड, सो इट इज डिप्रेस्ड फ्रैक्चर। जो अभी मैंने यहाँ पे बोला बेसिलियर फ्रैक्चर, सो बेसिलियर फ्रैक्चर्स डाउनवर्ड्स, ठीक है, ऑक्सीपिटल बोन में फ्रैक्चर होते हैं, नियर द ईयर ये फ्रैक्चर्स होते हैं, यहाँ पे हो सकते हैं। सो दिस इज बेसिलियर फ्रैक्चर्स। कम्युनेटेड फ्रैक्चर्स आर डिपेंड ऑन द इंजरी, ठीक है, जब कोई भी आपकी बोन जो है मल्टीपल पीसेस, ठीक है, टू और मोर देन टू पीसेस ऑफ बोन, ठीक है, बोन, सो वो होती है कम्युनेटेड फ्रैक्चर, ठीक। कम्युनेटेड एंड कंपाउंड फ्रैक्चर्स आर डिफरेंट फ्रैक्चर्स। जो फ्रैक्चर्स हैं वो इजीली विजिबल होते हैं। सिम्टम्स क्या हो सकती है? स्वेलिंग एंड टेंडरनेस अराउंड द एरिया ऑफ इम्पैक्ट, ठीक है, फेशियल ब्रूजिंग होती है, ब्लीडिंग फ्रॉम द नोस्ट्रल्स एंड ईयर्स। अगर ज़्यादा सीवियर इम्पैक्ट है तो नोस्ट्रल्स से एंड ईयर से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, ठीक है। अगेन वी विल स्टार्ट विद दीज four important categories of skull fractures. Comminuted fractures are those fractures which result into several pieces of broken bone. So jo bone tooti hai wo chote chote pieces like multiple pieces mein broke hoti hai. Two or more than two pieces are there to mujhe kehenge comminuted fracture. It depends on the severity of the injury. It could be, it either can be open and closed fracture, ठीक है, ओपन एंड क्लोज दोनों तरीके की ही ये फ्रैक्चर्स हो सकती हैं, ठीक है। ओपन फ्रैक्चर, क्लोज फ्रैक्चर में ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है, इट्स जस्ट कैटेगराइजेशन ऑफ फ्रैक्चर। बेसिलियर फ्रैक्चर क्या है? अ बेसिलियर फ्रैक्चर इज अ ब्रेक ऑफ अ बोन, इट इज अ ब्रेक ऑफ अ बोन इन द बेस ऑफ स्कल। कहाँ पे? बेस, स्कल के बेस में, बेस ऑफ द स्कल। सिम्टम्स में इंक्लूड ब्रूजिंग। सो सिम्टम क्या इंक्लूड कर सकता है? सिम्टम में इंक्लूड ब्रूजिंग बिहाइंड द ईयर्स,
बिहाइंड द ईयर्स, ब्रूजिंग अराउंड द आईज, ब्लड बिहाइंड द ईयर ड्रम्स. ठीक है, जो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड है, जो आपके ब्रेन में जो फ्लूइड मीडियम होते हैं, जैसे टिश्यू में हमने सेल्स एंड टिश्यूज में हमने साइटोप्लाज्म एक फ्लूइड मीडियम देखा था, ऐसे ही ब्रेन में जो फ्लूइड मीडियम होता है उसे हम कहते हैं सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, CSF. ठीक है, ये क्या होता है, ये लीक कर जाता है इन अबाउट 20% ऑफ केसेस जब बेसिलियर फ्रैक्चर होता है तो. ठीक है, इट विल रिजल्ट इन टू फ्लूइड लीकिंग फ्रॉम द नोज एंड ईयर्स. ठीक है, मेनिनजाइटिस ऑकर अबाउट 14% ऑफ द केसेस. सो ज्यादातर 14% केसेस में मेनिनजाइटिस हो जाता है. लीनियर फ्रैक्चर व्हेन अ लो एनर्जी ब्लंट ट्रॉमा अफेक्ट अ वाइड सर्फेस ऑफ एरिया. लो एनर्जी ट्रॉमा होगा और कैसा होगा, ब्लंट ट्रॉमा होगा. When it affects a wide surface area of the skull, it can cause linear skull fracture. It can cause linear skull fracture, and in these fractures, the trauma runs through the entire thickness of the skull. The trauma runs through the entire thickness of the skull. Fine. So इसे हमने बोला linear fracture, या फिर हमने एक और यहाँ पे नाम बताया था इसका, hairline fracture. ठीक है, हेयरलाइन फ्रैक्चर्स. फाइन, सो नेक्स्ट डिप्रेस्ड फ्रैक्चर्स. डिप्रेशन हो जाती है स्कल में. दीज फ्रैक्चर्स ऑफ द स्कल इन विच अ फ्रेगमेंट इज डिप्रेस्ड. सो जो फ्रेगमेंट है वो धस जाता है इन योर ब्रेन. इट इज द डायरेक्ट फ्रैक्चर ऑन एट द साइट ऑफ इंजरी. ऐसा, ठीक है, यहाँ पे फोकस करो, ये वाले एरिया पे फोकस करो. सी, यू कैन सी द डिप्रेशन. जो बोन्स है वो डिप्रेस हो गई है इन साइड योर ब्रेन. ठीक है, फाइन. तो ये थे आपके इम्पोर्टेंट स्कल फ्रैक्चर्स. एंड जो सिलेबस है उसमें बहुत सारे अनवांटेड टॉपिक्स हैं, लाइक इंजरीज इन मल्टीपल, लाइक जितने भी ऑर्गन्स है सब नहीं बता दिया है. सो मैं एक ओवरऑल एग्जांपल देती हूँ. जो इंजरीज है, इंटरनल इंजरीज हमेशा ब्लंट फोर्सेस से होती. हमने ऑलरेडी इंजरी का पार्ट किया हुआ है. जो इंजरी होती है वो ब्लंट फोर्सेस से होती है. इंटरनल जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं वो ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं. ठीक है, सो उसमें वो सारे सेम इंजरीज हो सकती हैं. ठीक है, एबोरेशन एंड ऑल दैट नहीं होगा, बट अगर पियर्सिंग वाली इंजरी है तो आपको बिवेलिंग वुंड्स दिखेंगे. इट डिपेंड्स ऑन द वुंड्स. ठीक है, पंक्चर फ्रैक्चर हो सकता है, बिवेलिंग वुंड हो सकता है. इट्स ऑलवेज द फोरेंसिक्स में वी कम अप विथ इंजरीज डिफरेंट ऑर्गन्स में नाइफ्स से. ठीक है, जो ज़्यादा शार्प वेपन्स होते हैं वही ही आपकी स्किन को पेनिट्रेट करेंगे, या फिर स्किन को सबसे पहले आपका आउटर कवरिंग तो स्किन है. इंटरनल ऑर्गन्स तक वेपन्स एज सच नहीं पहुँचते. इट डिपेंड्स ऑन अगर बुलेट्स हैं या फिर कोई फायर आर्म्स यूज किए हुए हैं तो इट डिपेंड्स ऑन दैट. ठीक है, उसमें भी यू विल गेट अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ टियरिंग इंजरी, टियरिंग कंप्रेशन इंजरी, एंड वी हैव शार्प एजेस से इंजरीज. ठीक है, सो इंटरनल जितने भी ऑर्गन्स, जैसे कि आपका स्टमक, योर किडनीज एंड ऑल द इनर पार्ट्स, सॉफ्ट इनर पार्ट्स ऑफ योर बॉडी, उनमें ऐसी ही इंजरीज आपको देखने के मिलेगी. ठीक है, सो परेशान नहीं होना है इतना ज़्यादा सिलेबस देख के. वी हैव लाइक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स इन द सिलेबस, जैसे कि हमारे बॉडी में कोडिंग एंड नॉन कोडिंग जीन्स होते हैं ना. सो कोडिंग जीन्स ही अपना काम करते हैं, तो आपको वैसे ही यू हैव टू एक्सट्रैक्ट द इन्फॉर्मेशन आप. ठीक है, अदरवाइज इफ यू will try to cover each and every topic, you will end up losing important topics. That's why I'm focusing on important topics. ठीक है, skull fracture important है, ये चार categories important है. ठीक है, try to understand the words. ठीक है, जब भी questions आएंगे ना exam में, so कोशिश करना कि आप words को understand करो. ठीक है, याद करने की कोशिश करने से it all messed up. अगर आप सोचो कि आपने पढ़ा था, आप याद कर लो. जब आप पढ़ रहे हो, when you are absorbing the information up, so try to decode those words. ठीक है, try to connect these words with different things, जिससे आप चीज़ों को याद रख सकते हो. ठीक है, so see you guys in the next lecture. Have a great day ahead. Bye.